है दोस्तों, मैं आपका टॉप शूटर और मिस्टर खोलू। तो चलिए इस बिना अनबॉक्सिंग करते हैं किसकी, ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर। अगर आपने देखा होगा आपका यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रोडक्ट, तो मैं भी मंगा लूँ। दरअसल मेरे पास भी चश्मा और घड़ियाँ काफ़ी हैं, तो वो साफ़ करने का काफ़ी अच्छा रहता है, या फिर बहुत सारी मेटलिक चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ साफ़ करने का सही रहता है जो आपको आराम से आप जाती है, तो मैं सब क्यों ना मंगाया जाए। और ज़्यादा महंगा था भी नहीं है, 100-200 रुपये का था, 200 रुपये का, तो मैंने मंगाया। आपको खरीदना तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या कमेंट में लिंक होगा, तो आप वहाँ से खरीद लीजिएगा, अमेज़न का लिंक होगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर और कैसा है। ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, क्यों चाइनीज़ ही प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, देख सकते हैं। इसका नाम है मल्टी फंक्शनल क्लीनर और पूरा चाइनीज़ में लिखा है, चाइनीज़ में रखा है। और डिटेल क्या क्या है इसके अंदर, क्लीन ग्लासेस, क्लीनिंग अप एंड क्लीनिंग अप, इनके अंदर ब्रशेज, क्लीन सेवर, क्लीन वॉशिंग डिशेज, ये सब साफ़ करने के लिए। इट इज़ नॉट यूर क्लीन आइज ऑर्नामेंट, क्लीन आइज आँखें, मेकअप ब्रश, ये जब ये सब इसके लिए नहीं है, मतलब ये करने के लिए है। क्लीन आइज, चश्मे की बात हो रही है शायद मेरे ख्याल से, वही सब है। तो चलिए सामने से लुक इसका ऐसा है, तो चलिए खोल के देखते हैं कैसा आई। इसके अंदर कुछ चाइनीज में लिख रखा है, चाइनीज जो है पढ़ने आती नहीं, तो उसको साइड रखते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते इस। और वारंटी वारंटी तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि चाइनीज सामान कैसे भी। ये तो नीचे इन्होंने सक्शन कप दे रखे हैं, ताकि अगर कोई किसी एरिया में फिसले ना। इसके अंदर बैटरी लगती है, अगर आपको दिखाओ तो इससे खुल जाए आप ही। यहाँ पर 2 AA लगती है, और यहाँ पर क्या है, मेरे को देखने पे नॉर्मली कुछ ज़्यादा स्पेशल लग नहीं रहा है, पता नहीं ये साफ़ करेगा कुछ करेगा भी कि नहीं, नॉर्मली लग रहा है। ये ना कोई फर्जी निकले, कुछ काम ना करे, तभी देखते हैं हम इसमें। अभी हम बैटरी डालते हैं और तो पानी डाल के चश्मा साफ़ करके देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नॉर्मल है नहीं, कुछ नॉर्मल वैसे तो, तभी ट्राई करते हैं एक बार आके। वैसे पानी डालता हूँ, बैटरी डाल के सेट करके आपको दिखाता हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर डाल के, हम ये डबल ही बैटरी, शायद डबल ही बैटरी चलती है मेरे ख्याल से, तो ट्राई करते हैं एक बार। डबल ही चलती है, ट्रिपल ही तो मुश्किल है, देखते हैं तब भी ट्राई करते हैं। नहीं, इसमें ट्रिपल नहीं चलती है, मतलब छोटी वाली, बिल्कुल छोटी जो होती है वो चलेगी, मोटी वाली नहीं चलेगी, देख सकते हैं मोटी वाली बहुत मोटी जा रही है इसके लिए। तो छोटी वाली बैटरी, ट्रिपल ही बैटरी डाल के देखते हैं वह, तो इसके अंदर ट्रिपल ही बैटरी लगा देते हैं। ये पहले ही चालू हो गई, इसे ऑफ करना पड़ेगा, तो इसे मैं रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी डाल देते हैं, थोड़ा पानी में, अभी पानी का इंतजाम करके लाया हूँ जस्ट अभी। मैं इसके नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रहा हूँ, टूटी का पानी, नलके का पानी। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप जैसे साफ़ करना चाहते हैं, अगर कोई डेलिकेट चीज़ नहीं है, तो आप साबुन या डिश वॉश कुछ भी साबुन वगैरह लिक्विड डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं कुछ चश्मे, डाल देते हैं अपना ये चश्मा, ये वाला चश्मा यही डाल देते हैं। आप इसे हम कर देते चालू, पहले हम इसके ऊपर डाल देते हैं, आप पर दिखाया तो कैसे काम करता है, देख सकते हैं कैसे वाइब्रेट हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इससे गंदगी साफ करता है। चलिए इसे बंद करके देखता हूँ कितना साफ करता है कितना नहीं। तो हमने काफ़ी देर इसे यूज़ होने दिया, अब देखते हैं जैसे कहते कितना क्या हुआ कितने का। मैं सब बंद कर दिया, हम स्विच ऑफ कर दिया, अब देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं। पता नहीं साफ क्या हुआ, मैं तो ये समझ नहीं आया, नहीं साफ गंदा निकला बस ये थोड़ा बहुत, नहीं साफ का तो मेरे को अल्ट्रासोनिक का कुछ नहीं है, बस वाइब्रेट हुआ बस, उसको इतना पता है वाइब्रेशन से क्या हो जाती है यार। अल्ट्रासोनिक का तो कुछ लॉजिक समझ नहीं आता मेरे को, बस ये मेरे को पता है वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन से थोड़ी गंदगी निकल सकती है। इसको भी इसको डाल के देता हूँ, और वाटरप्रूफ है तो वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ओरिजिनल है उसकी फास्टैग की, इसलिए वाटरप्रूफ है, तो कोई टेंशन नहीं आ रहा। ऐसा हो क्या रहा है मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, बस वाइब्रेट हो रहा, वाइब्रेट होने से क्या होता है ये एक, मैं वो ज़्यादातर मेरे को गिमिकी प्रोडक्ट लग रहा है, जिसमें कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, बस आपको वाइब्रेट करके काफ़ी अच्छा लगे देखने पर, बाकी सब मुझे कुछ गंदगी निकलने वाला तो सीन तो लगता नहीं इसमें, कि इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि इसमें गंदगी काफ़ी निकली है, तो क्या कह सकता हूँ मैं कि ये साफ़ करता है कि नहीं है,
पता नहीं अल्ट्रासोनिक का नाम क्यों दे रखा है अल्ट्रासोनिक, बस ये है कि इसमें वाइब्रेट काफ़ी अच्छे से करता है जिससे गंदा हो जाए साफ हो जाता है। लेकिन साफ का पता नहीं 100% साफ तो कुछ नहीं होता मेरे को जहाँ तक लगता है, बस नाम का फर्जीवाड़ा है, गिमिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इसे हम फेंक देते हैं पानी को। इसमें दूसरे चश्मे ग्लासेस ट्राई करके देखते हैं, इसको पता नहीं मेरे ख्याल से तो साफ नहीं करता, काफ़ी गंदा हो चुका है ये चश्मा रख रखे, तो यहाँ से खाली गीले से तो साफ नहीं रखता, तो बेबर ट्राई करके देखते हैं। मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पे और ढक्कन को ढक देता हूँ इससे मैं। अरे बंद नहीं होता, शायद ऐसे ही लगता है इसके ऊपर, और फिर ऑन कर देता हूँ मैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी यहाँ पे, अगर आपको नहीं आ रही तो आपको सुना देता हूँ। तो आपको आवाज़ आ रही होगी जैसे ही जैसे वाइब्रेट कर रहा है, तो अल्ट्रासोनिक का तो कुछ मतलब वाइब्रेट करके क्लीन करता है इतना मेरे को पता है। तो 2-3 मिनट हो गए, आप देखते हैं कितना अच्छे से साफ़ किया है इसने, बंद करते हैं इसको। मतलब गंदगी थोड़ा साफ़ कर सकता है ये, बस थोड़ा धूल उल्टी हटा सकता है, वरना जो गंदगी हो तो हाथों से कुछ सूखे कपड़े से ही साफ होगी। देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें बची रह गई, क्या कहते हैं इसमें, देख सकते हैं बहुत गंदगी है इससे, मात्र थोड़ी सी गंदगी निकालनी जिससे कुछ फर्क नहीं। तो उसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ ऑन करके कैसा लगता है ये, जिसमें पानी का पैटर्न बनता है ना ये बेस्ट लगता है देखने में, वो देख सकते कितना मस्त लग रहा है पैटर्न ये, इसलिए हम सेक्शन दिक्कत दिए जाते हैं ताकि ये लें, वरना फैब्रिक होकर इधर से उधर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेक्शन दिए जाते हैं। पता नहीं शायद मैंने फर्जी मंगाया या फिर कोई ओरिजिनल महंगे होते हैं, इसलिए शायद ये 200 रुपये का उतना इफेक्टिव नहीं शायद हो सकता है। फिर से इसको ऑफ करूँ, मैंने आपको कुछ दिखे ना दिखे, मेरे को दिखता है कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस थोड़ी बहुत धूल निकल जाती है, बाकी साफ तो होता नहीं ये तो कन्फर्म है। तो इस वीडियो में यही था कि ये प्रोडक्ट एक गिमिकी प्रोडक्ट है सिर्फ, आपको वाइब्रेट करे और कुछ नहीं, 200 रुपये का अंदर। मैं ये इसकी गारंटी देता कि जो 400-500 या 1000 रुपये का प्रोडक्ट होता है वो भी सेम हो, उसका भी आइडिया नहीं, बस ये 200-250 रुपये 300 रुपये जो अंदर प्रोडक्ट आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो फिलहाल तो वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका मिस्टर ओलू ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल बोले कि बम।